हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं ऐसे पेड़ पौधों की जिनको लगाने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। वास्तु शास्त्र कहता है कि घर में लगाए गए पेड़ पौधों का कनेक्शन सीधे आपकी किस्मत से जुड़ता है। बस ध्यान ये रखना होगा कि घर में कौन कौन से पौधे किस दिशा में लगाए जाएं। वास्तु के हिसाब से आइए आपको ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं जो आपके घर के लिए बेहद लाभकारी है। सबसे पहले शुरुआत तुलसी के पौधे से करते हैं, जो हर दूसरे भारतीय के घर में आपको मिल जाएगा। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले तुलसी के पौधे को लक्ष्मी का रूप माना गया है। सेहत के लिहाज से भी इसमें अद्भुत औषधीय गुण है। साथ ही तुलसी के पौधे के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह घर में विपत्ति को आने से रोकता है और वहीं अपने चारों ओर 50 मीटर तक वातावरण भी शुद्ध रखता है। तुलसी का पौधा घर में उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, मगर गलती से भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर यह आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। रविवार को छोड़कर रोजाना इस पर जल चढ़ाना चाहिए। हल्दी वाले जल से गुरुवार को तुलसी की पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। यह तो है धार्मिक मान्यता, लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार यदि आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है तो यह पौधा उसे नष्ट करके घर में धन वृद्धि करता है। केले के पेड़ को भी तुलसी की तरह शुभ माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। केले का पौधा जिन घरों में होता है उन घरों की आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं होने देता और शुभ कार्य भी शीघ्र संपन्न होते हैं। इसे तुलसी के पौधे के पास ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। जो लोग केले के पेड़ को घर में लगाना शुभ नहीं समझते, वे इसे भूमि पर सीधे न लगाकर गमले में भी लगा सकते हैं। नंबर 3 पर आता है गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा देखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही लाभकारी भी होता है। कहा जाता है कि इसे घर में लगाने से कानून संबंधी सभी काम पूरे हो जाते हैं। वहीं इसको आप कहीं भी रख सकते हैं और पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 4 पर आता है अनार का पेड़। अनार भी एक गुणकारी पौधा है। वास्तु के अनुसार यह ग्रह दोष को दूर करने और व्यक्ति को समृद्ध बनाने वाला होता है। घर में अनार का पेड़ होने से ग्रह दोषों से बचा जा सकता है। अनार के पेड़ को अग्नि कोण में लगाना बहुत शुभ होता है। जब इसमें फल आते हैं तो ऐसी मान्यता है कि उस समय घर में निवास करने वालों को बहुत लाभ होता है और चारों ओर यश कीर्ति फैलती है। अनार का पौधा घर में लगाने से कर्ज में भी मुक्ति मिलती है। नंबर 5 पर आता है पारिजात का पौधा। पारिजात यानी हरसिंगार का पौधा घर में लगाना अति शुभ माना गया है। पारिजात के पौधे के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र मंथन में 11वें नंबर पर जो रत्न प्राप्त हुआ था वो पारिजात वृक्ष है। इसके फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाने से सोने के दान का पुण्य मिलता है। यह देवतुल्य वृक्ष है, इसे छूने से ही थकान मिट जाती है, ऊर्जा का संचार होता है, वह देव दोष समाप्त होकर घर के सदस्यों का कल्याण होता है। नंबर 6 पर आता है शमी का पेड़। शमी का पेड़ भी घर में होना शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में इसका संबंध शनि से जोड़ा गया है और जिन लोगों को शनि की दशा या 7.5 चल रही है उनके लिए शमी के पेड़ के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। ध्यान रहे कि घर के बाहर निकलते हुए दाहिनी तरफ ये पौधा घर की चौखट के पास लगाना चाहिए व शनिवार को इस पर तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। नंबर 7 पर है अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ विशेष शुभ होता है। अशोक अपने नाम के अनुसार ही शोक को दूर करने वाला और प्रसन्नता देने वाला पेड़ है। घर में इसके होने से सुख समृद्धि बनी रहती है। इसे घर में लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है तथा धन लाभ होता है। अशोक वृक्ष जो कि सीधा ऊपर की ओर बढ़ता है, कम जगह घेरता है तो देखने में भी सुंदर लगता है। इसे घर की चारों दिशाओं में लगाया जा सकता है। नंबर 8 पर आता है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट का पौधा घर में सुख समृद्धि लाता है। धन वृद्धि के साथ
इसके पत्तों का सुंदर हरा रंग एवं इसके पत्तों का आकार मन को खुश करता है। मनी प्लांट जितना अधिक फलता फूलता है उतनी ही घर में सुख समृद्धि की वायु पनपती है। ध्यान रहे इसकी बेल नीचे की ओर न जाकर सदा ऊपर की ओर जानी चाहिए ताकि हम भी ऊंचाइयां छुएं। इसका संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। इसको लगाने से पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बढ़ती है। मनी प्लांट को अग्निकोण या पूर्व दिशा में लगाना ज्यादा शुभ रहता है। कुछ लोग पानी के जार में मनी प्लांट को लगाते हैं और घर की टेबल या फिर किसी वस्तु के ऊपर सजाते हैं। तो यदि आप भी कुछ ऐसा ही करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रहे समय समय पर आप इसका पानी बदलते रहें, क्योंकि दूषित पानी नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। नंबर 2 पर आता है आंवले का पेड़। एक और पेड़ काफी फायदेमंद है और वह है आंवले का पेड़। इस पेड़ को घर में उत्तर दिशा और पूर्व की दिशा में लगाना अधिक लाभदायक माना जाता है। इसको लगाने से परिवार के लोगों की परेशानियां कम होती है। कहते हैं कि आंवले के पेड़ की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसे उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। वास्तु के अनुसार करी पत्ता घर में लगाना भी शुभ माना गया है। बड़े नीम के पेड़ की जगह इसे घर में लगाने से सेहत का भी लाभ रहता है वह रिश्तों में आई कड़वाहट भी समाप्त होती है। कड़वे फल वाले और खट्टे फल वाले पेड़ घर में रिश्तों में कड़वाहट पैदा करते हैं। नंबर 11 पर आता है बांस का पेड़। बांस का पेड़ जिसे आप लक्की बैम्बू भी कहते हैं, वास्तु में बांस के पेड़ को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि इसे लगाने से आपकी तरक्की होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। बांस के पेड़ के बारे में कहा जाता है ये वातावरण में तमाम मुश्किलों के बाद भी तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे उन्नति, दीर्घ आयु और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहीं हिंदू धर्म के अनुसार भी बांस का घर में होना बेहद शुभ है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस की बनी बांसुरी रखते थे। इसे आप घर में कहीं भी लगा सकते हैं। बांस के पौधे को उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 12 पर है हल्दी का पेड़। तुलसी की तरह हल्दी भी वरदान प्राप्त होता है। यह गुणकारी और चमत्कारी है। हल्दी का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। ध्यान रहे कि अपने घर के दक्षिण में भूलकर भी गार्डन ना बनाएं। यदि गलत दिशा में आप गार्डन बनाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। व्रत संहिता में कहा गया है अश्वत्थ च कदम्ब च कदली भी पुरकम ग्रहे यस्य प्रोहंती स ग्रही न प्रोहती। अर्थात बेर, केला और नींबू जिस घर में जितना अधिक पनपते हैं उतना ही उस घर की आर्थिक हानि होती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि अपने घर से दक्षिण दिशा में तुलसी नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा घर में रोग और आर्थिक नुकसान होता है। भूलकर भी बगीचे को घर के दक्षिण में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो अब आप भी अपने पौधों को वास्तु के अनुसार लगाकर फायदा उठा सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।